हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और आज के वीडियो से हम एक नए कैटेगरी के रिव्यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जी हां, उस कैटेगरी का नाम है 100% प्लांट प्रोटीन। और इस कैटेगरी में जो पहला ब्रांड आज हम कवर करेंगे वो अमेज़ॉन पे नंबर वन सेलर ब्रांड है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माई प्रो 100% प्लांट प्रोटीन की। तो ये हमने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया। जब हम अमेज़ॉन से ऑर्डर कर रहे थे तो हमने देखा कि अगर आप इसका 2 kg वाला साइज़ चुनते हैं तो आपको 1 kg के 2 boxes मिलेंगे। इसलिए हमने एक ही एनोनिमस ID क्रिएट की, एक ही एनोनिमस मोबाइल नंबर और एक ही एनोनिमस एड्रेस पे इसे ऑर्डर कर लिया। ठीक है, ऑर्डर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट हमें मिला, हमने इसका अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी शूट कर लिया। तो एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास है। एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हमने लैबोरेटरी में दे दिया था टेस्टिंग के लिए। अगर आप हमारी लैबोरेटरी के रिपोर्ट की डिटेल्स देखेंगे तो आपको उसमें भी बैच नंबर सेम दिखेगा, उसी बैच नंबर से जो हमने अनबॉक्सिंग में आप लोगों को दिखाया है। तो ये हो गई हमारी ट्रांसपेरेंसी की बात कि कैसे हम लोग 100% ब्लाइंड टेस्टिंग ही करते हैं। अब जो है हम क्विकली जंप करते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये जो ब्रांड है ये ज्वालिया हेल्थ केयर नाम की एक कंपनी का है जो कि गुजरात बेस्ड कंपनी है। और ये जो कंपनी है ये आपको बहुत सारे न्यूट्रासूटिकल और हर्बल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। जो ज्वालिया हेल्थ केयर LLP है उन्होंने इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी है न्यूट्रासन नाम की एक कंपनी को। न्यूट्रासन अगेन एक गुजरात बेस्ड कंपनी है और ये लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स और हर्बल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। वेल, हमें लगता है कि ये जो ज्वालिया हेल्थ केयर कंपनी है और न्यूट्रासन कंपनी है ये दोनों सेम है। सेम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों के फाउंडर्स सेम है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों कंपनीज जो इसे मैन्युफैक्चर करती है, जो इस ब्रांड को ओन करती है, वो एक्चुअल में सेम ही है। ठीक है, अब हम जो है क्विकली जंप करते हैं और बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ कि ये प्लांट प्रोटीन है, इसीलिए इसकी जो पर सर्विंग है 30 ग्राम्स की, उसमें जो आपको 23.5 ग्राम्स प्रोटीन कंपनी क्लेम करती है वो आपको दिया जाता है पी प्रोटीन आइसोलेट और ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट के ब्लेंड से। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है चॉकलेट फ्लेवर है, इसलिए इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, थोड़े बहुत विटामिंस और मिनरल्स के मिक्सचर डाले गए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्लेंड का इस्तेमाल किया गया है, एंटी ऑक्सीडेंट ब्लेंड डाला गया है। और इसे स्वीट करने के लिए इसमें नेचुरल स्वीटनर, जो प्लांट बेस्ड स्वीटनर होता है जिसे हम स्टीविया कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। थोड़े बहुत फ्लेवरिंग सब्सटेंस डाले गए हैं, नेचुरल कलर्स डाले गए हैं, सॉल्ट का ऐड किया गया है और थिकनर जो कि जैंथन गम है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो गई इन्ग्रीडियंट्स की बात। अब हम जो है क्विकली आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि लेवल वन टेस्टिंग जो कि हमारी मैक्रो एक्यूरेसी की टेस्टिंग होती है, जिसमें हम प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, एडेड शुगर ये सब टेस्ट करते हैं, उसमें ये प्रोडक्ट पास होता है कि नहीं। तो लेवल वन टेस्टिंग में सबसे पहले हम प्रोटीन को कवर करेंगे। तो कंपनी का ऐसा कहना है कि ये आपको 78.33% प्रोटीन ऑफर करती है, मतलब इनकी एक सर्विंग साइज़ जो कि 30 ग्राम्स की है उसमें आपको 23.5 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। वेल, हमारे लैबटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसमें 78.33% प्रोटीन नहीं पाया गया है, इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज पाया गया है वो है 21.4%, जिसे अगर आप पर सर्विंग के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो वो आता है 6.4 ग्राम्स। मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि कंपनी ने क्लेम किया है कि इनके पर सर्विंग में आपको 23.5 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है सिर्फ 6.4 ग्राम्स, मतलब 17 ग्राम्स प्रोटीन कंपनी क्लेम से कम पाया गया है पर सर्विंग। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट कंपनियां कहना है कि ये आपको 14.83% ऑफर करते हैं, यानी कि पर सर्विंग 4.45 ग्राम्स, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 67.75%, यानी कि 20.32 ग्राम्स पर सर्विंग। काप्स कंपनी क्लेम करती है 4.45 ग्राम्स पर सर्विंग, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 20.32 ग्राम्स पर सर्विंग, मतलब कंपनी क्लेम से 15.87 ग्राम्स पर सर्विंग कार्ब्स ज़्यादा पाया गया है। फैट्स की बात कर लेते हैं, तो फैट कंपनी क्लेम करती है 2.7%, यानी कि 0.81 ग्राम्स, हमारे लैब रिपोर्ट में भी वो 2.7% पाया गया है, यानी कि 0.81 ग्राम्स ही पाया गया है। तो फैट्स यहाँ पे जो है कंपनी अपने लेबल को जस्टिफाई करती है। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है हमारे लेवल वन टेस्टिंग में हैविली फेल हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्रोटीन पर सर्विंग जो है 17 ग्राम्स कम पाया गया है, कार्ब्स पर सर्विंग 15.87 ग्राम ज़्यादा पाया गया है। इसलिए डबल चेक करने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो है
अमेज़ॉन पर जाके इसका एक और बॉक्स ऑर्डर किया, और इस बार जब हमने ऑर्डर किया तो इस बार हमने कंपनी को सेलर नहीं चुना, इस बार हमने अमेज़ॉन को डायरेक्टली सेलर चुना। अमेज़ॉन को डायरेक्टली सेलर चुना मतलब हमने सेलर आरके वर्ल्ड इन्फोकॉम को चुना, विच मीन्स कि आप अमेज़ॉन से डायरेक्टली ले रहे हो। तो हमें जैसे ये प्रोडक्ट आया हमने उसका वापस से अनबॉक्सिंग वीडियो शूट किया, और हमने ये नोटिस किया कि जो दो बॉक्सेस हमें पहले मिले थे और जो नए ऑर्डर का एक बॉक्स हमें अभी मिला है वो सब सेम बैच नंबर के हैं, ठीक है। तो हमने वो सील्ड बॉक्स एक दूसरी लेबोरेटरी में, एक दूसरी NABL लेबोरेटरी में दे दिया जो कि पुणे बेस्ड थी, तो वहाँ पे सील्ड बॉक्स हमने लेबोरेटरी में दे दिया और उसका जो रिज़ल्ट आया उसमें भी ये प्रोडक्ट हैविली फेल करता है। आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे कि दूसरी वाली NABL लैब के अकॉर्डिंग इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज है वो पाया गया है 24.2%, यानी कि कंपनी क्लेम करती है पर सर्विंग 23.5 ग्राम्स पर सर्विंग, और हमारे दूसरे वाले लैब के अकॉर्डिंग इसमें प्रोटीन पर सर्विंग पाया गया है 7.2 ग्राम्स। तो डबल चेक करने के बाद वी आर श्योर कि ये जो प्रोडक्ट है वो हैविली फेल करता है, और क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे फर्स्ट लेवल टेस्टिंग को ही हैविली फेल करता है इसलिए हम इसे लेवल वन टेस्टिंग के बाद फेल करार करते हैं। एंड एज़ पर आर प्रोसीजर अगर कोई प्रोडक्ट लेवल वन टेस्टिंग में ही फेल कर जाता है तो हम लेवल टू टेस्टिंग, लेवल थ्री टेस्टिंग, लेवल फोर टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम उसे लेवल वन टेस्टिंग के बाद फेल करार करके उसकी टेस्टिंग रोक देते हैं, ठीक है गाइस। और क्योंकि ये प्रोडक्ट हैविली फेल हो गया है इसलिए एक सील्ड बॉक्स हमें अपने पास रखना पड़ेगा अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इसलिए हम आपको इसकी सर्विंग साइज़, एक्यूरेसी, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स ये सब भी नहीं बता पाएंगे। फिलहाल इस प्रोडक्ट का एक आपको पॉपुलर होने का खासियत बता देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आता है, आई थिंक 1300 to 1400 रुपीज़ पर केजी में आपको ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो ये गाइस हमने इसकी टेस्टिंग को कवर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को हमारा जेन्युइन काम पसंद आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो प्लीज़ गाइस अपना सपोर्ट दिखाइए, हमें जो है हमारे चैनल को फॉलो करिए, बहुत सारे वीडियोज़ और आने वाले हैं जो आप लोगों को हेल्प करेगा एक बेटर हेल्थ सप्लीमेंट चूज़ करने के लिए। अपने फेवरेट प्रोडक्ट को वोट करने के लिए आप trustified.in पर जा सकते हैं, इस प्रोडक्ट की रिपोर्ट समरी देखने के लिए भी आप trustified.in पर जा सकते हैं, आफ्टर 24 आवर्स इसकी रिपोर्ट समरी हम लोग अपडेट कर देंगे। और गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें फिनैंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी अगली टेस्टिंग के लिए हमें फिनैंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे द्वारा सर्टिफाई किए हुए सारे सप्लीमेंट्स को आप हमारे ऐप के थ्रू, हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू जो कि ट्रस्टिफाइड है, या फिर उससे ले सकते हैं या फिर shop.trustified.in वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और ऐसी गाइस चैनल पे बने रहिएगा, एट द एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ वॉच फिर से कहूँगा, इफ़ योर सप्लीमेंट इज़ नॉट ट्रस्टिफाइड देन इट्स नॉट सर्टिफाइड, चूज सेफ, बी सेफ, थैंक यू।